सर वेस्ट यूपी की बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ अपने आप में एक क्रांतिमय इतिहास को हम देख रहे हैं कि आपने काफ़ी बेहतर संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें जहाँ इतिहास से संबंधित विभिन्न चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहीं महाभारत कालीन कई ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को काफ़ी ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत करा सकती है। किस तरीके से ये संग्रहालय तैयार किया गया? देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के इतिहास विभाग को ये सौभाग्य प्राप्त है। संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर म्यूजियम कल्चरल हेरिटेज, ये नाम से यानी कल्चरल हेरिटेज म्यूजियम, इसके बनाने की शुरुआत की गई। और उस समय प्रोफेसर आर एस अग्रवाल यहाँ थे और काक साहब और ओझा जी, इनके समय में वो चीज़ हुई और वो धीरे धीरे फिर हमने और भी जोड़ी। हमारे जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, जो उस समय के करंट स्टूडेंट्स रहे हैं, अगले अगले टाइम पे जो जो कुछ मिलता रहा वो इसको डोनेट करते रहे, इसको एनरिच करते। हमारे पास ईंटों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, एक मंदिर देवता सहित है, मंदिर टेराकोटा में है, बड़ी बात है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, महाभारत पीरियड की कही जाने वाली जो पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है जो भगवान बुद्ध के समय में बड़ा ख़ास एलीट किस्म के लोगों का वो बर्तन हुआ करता था। मैं एक बात बता दूं आपको कि हर 300 साल में मोटे तौर से बर्तन थोड़े से बदले हैं, बर्तनों का शेप बदलता है, लेकिन बेला और थाली नहीं बदले हैं ज़्यादातर, और कटोरियाँ। तो वो कटोरियाँ, बेला और थाली, जो फूल का बेला होता था, वही ऋग्वैदिक समय में, वही उत्तर वैदिक समय में चल रहा है एक तरह ख़ास तौर से। तो उत्तर वैदिक की तो ख़ास चीज़ है, और वो हस्तिनापुर की खुदाई से 1949 में जब एक्सप्लोर किया प्रोफेसर बी बी लाल ने, दी देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे वो, सर मोर्टिमर व्हीलर के बाद वही डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने उसका नाम दिया, हस्तिनापुर में सबसे पहले मिला, तो पेंटेड ग्रेवेयर नाम दिया, चित्रित धूसर मृदभांड। हम पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, हमने नंबर ऑफ साइट्स खोजी हैं हम लोगों ने यहाँ पर। मतलब कह सकते हैं कि जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो हजारों वर्ष की जो तथ्यात्मक ऐतिहासिक तथ्य है उन पर अध्ययन आसानी से कर पाते। हाँ, उसके विभिन्न पक्षों पर कर सकते हैं, चित्रकारी क्या थी, मान्यताएं क्या थी, क्योंकि ग्रेवेयर पर जो पेंटिंग है उन पेंटिंग डॉट्स हैं, त्रिभुज हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी जाती है कि डॉट्स और त्रिभुज जो हैं ये मदर गोडेस का अल्टीमेटली जो पूजा चल रही थी ये उससे रिलेटेड है, कि हमारे पास लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर के सिरदल के भाग रखे हैं जिन पर देव मूर्तियाँ हैं। आपका जी, मेरा नाम हिमांशु मलिक है, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हिमांशु, हम देख रहे हैं यहाँ पर आज के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विभिन्न ऐसी चीज़ों को दर्शाया गया है संग्रहालय में, कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुराने जमाने की ये चीज़ें रखी गई है तो अच्छे से समझ आ रही है। तो मतलब जो भी यहाँ आएंगे वो आसानी से चीज़ें जान पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मतलब इस तरीके से प्रकट कर रहे हैं कि मतलब उसी जमाने की चीज़ें एकदम समझ आ